कहिए या फाइन ट्यून करने वाला कहिए, तो तीनों लोग तो वैसे कहानी आगे, क्योंकि विलन का भी होना बहुत जरूरी है कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। हीरो होता है, फिर मेरा जो कैरेक्टर है, कि कहीं अगर हीरो फंस ना जाए, फंस गया तो कैसे निकलेगा, वो सब जो पैंतरेबाजी करने के लिए जरूरी होता है। तीनों लोग मिलकर कहानी आगे बढ़ाते हैं। परेश जी, हेरा फेरी में जिस तरह से हंस हंस के ठग रहे थे लोगों को कॉमेडी करके, तो इस बार भी इसी तरह की ठगी है या सीरियस है आपका, किस तरह की ठगी है? नहीं, इसके अंदर ठग बड़ा माने ये इसका अंदाज अलग है, ये ठेठ कॉमेडी नहीं है ये, और बड़ा मजा आएगा क्योंकि एक एक पहलू दिखाते हैं, समझाते हैं कि भैया इसके देखो, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा करेगा, इसका स्वभाव ऐसा है, बड़ा एकदम तजुर्बेकार आदमी है ये, तो इसका जो देखने का जो नजरिया है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर बहुत मजा आएगा लोगों को, ह्यूमन नेचर के बारे में जो बातें करता है, कॉमेडी टच भी रहेगा इसमें, कॉमेडी कॉमेडी भी रहेगा। जी, कुणाल की बात करो, इतने सारे आप डायरेक्टर के साथ काम किए बड़े हुए, कुणाल का किस तरह के डायरेक्शन था और किस तरह का एक्सपीरियंस था? या मेथोडिकल है, बहुत मेहनती है, डजंट टेक इज सक्सेस फॉर ग्रांटेड, और मेहनत करके आता है, माने कोई भी सवाल पूछो तो उसका जवाब होता है, और कभी कभी हम कभी कभी ऐसा लगता है, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द स्क्रिप्ट, रीडिंग द स्क्रिप्ट, इन स्पाइट ऑफ सेइंग यस टू द स्क्रिप्ट, फिर भी कुछ सवाल उठते हैं तो उसका सही जवाब मिलता है, अगर सही जवाब नहीं होता तो बोलते हैं हाँ यार यू आर राइट, ये भी है खानदानी उसमें और खिलदिली है उसमें। एट सेम टाइम अगर हम ऑडियंस की बात करें, बहुत सारे ऑडियंस हैं कि नहीं परेश जी है तो मूवी हिट है, तो डू यू थिंक ये तो स्ट्रांग पॉइंट इन दिस मूवी? परेश जी है तो मूवी हिट है ऐसा कुछ नहीं, परेश जी ने भी काफी फ्लॉप दी है यार, हिम्मत वाला भी है ना यार। ऐसा मेरा ना मेरा ऐसा कोई वहम है ना मैं ऐसी चीजों, ये सब है, सबकी वजह से फिल्में बनती है। बट अब बहुत सारे आपके ऑडियंस एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं सर, एक्सपेक्टेशन होते हैं यार, वो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है फुलफिल हो गए क्योंकि ओवरऑल कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जॉनर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ऑडियंस को जब बेवकूफ नहीं समझते, ऑडियंस को साथ में लेके चलते हो, ऑडियंस के मन में जो सवाल उठ रहे हैं सारे सवाल के जवाब भी मिल रहे हैं आपको, तो ऑडियंस को भी मजा आता है ये जर्नी में कि यार कैसे करेंगे, कैसे फांसेंगे उसको, कैसे उसको लपेटे में लेंगे। लोग यार हमने तो ये सुना कि जो पॉपकॉर्न बेचा रहता है उसका भी होता है ऐसा कोई हिसाब किताब, ऐसा सुना है मैंने। परेश जी, इस फिल्म में आप इमरान के गुरु बन रहे हैं, तो रियल लाइफ में किसी को शिष्य बनाया है आपने? अरे भैया, अपने बेटे अपनी बात नहीं सुनते किसी को क्या। नहीं, किसी को शिष्य नहीं बनाया। जी, कुछ गुरु दक्षिणा की बात, राजनीति में उतरने के बाद अपने फिल्मी करियर को किस तरह से टाइम दे पाते हैं, फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? इजी है, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, इरादे होने चाहिए। सर, शिष्य तो नहीं बना, लेकिन मोदी जैसे एक हस्ती को गुरु मानते हैं कि एक आइडल है, या देश के लिए कुछ कर गुजरने के उनके अंदर दम है, क्या मानते हैं? यार मुझे एक बात बताइए, आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने किसी भी देश का कि जिसका अपना घर नहीं है और जिसका अपना बैंक अकाउंट भी नहीं है? ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है आप? ऐसे आदमी को आप वाकई दिल से बात निकलती कि यार चलो ये बंदा कुछ कर रहा है तो उनके साथ रहो यार, यही है, सिंपल है। तो सर, अभी तक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, अगर देखा जाए राजनीति में 2-3 महीने हो गए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा खास? मुझे तो वाकई मजा आया है, काफी सीखने को मिल रहा है, एवरीडे सीखने को मिल रहा है, जवाबदारी का जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है, और बहुत काम करना बाकी है इस देश में, ये सारी बातें हैं, लेकिन ये है कि काम करना पड़ेगा। अगर आप बॉलीवुड जनता से कैसे रिस्पांस आ रहा है, आप तो जाते होंगे वहाँ उनके बीच में, तो किस तरह से रिस्पांस आ रहा है उधर? क्योंकि उनको उनको, उनको ये विश्वास है कि ये बंदा काम करेगा जी। बॉलीवुड से गए लोगों कुछ को मान ले तो बाकी को माना जाता है कि बॉलीवुड में सिर्फ आइकन या एक छवि बन के रह जाते हैं, संसद में भी न जाते हैं, ऐसा आप क्या चाहेंगे वहाँ पे सवाल उठाए जो आपके चुनावी क्षेत्र है, आप जीते हैं वहाँ पे, इस तरह से आप? देखो यार, मुझे अगर आदर्श रखना है तो मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखू ना जिन्होंने काम किया है, जैसे राज बब्बर जी है, जया बच्चन जी है, हेमा मालिनी जी की भी 100% अटेंडेंस रही है राज्यसभा में, ऐसे काफी लोग हैं, जावेद अख्तर साहब है, शबाना जी हैं, सब मैं ऐसे लोगों को आदर्श रखूंगा ना। अगर जो लोग नहीं है उनके जो भी रीजन रहे होंगे, मैं उनका एग्जाम्पल क्यों लूं? थैंक यू। परेश जी, गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगा है आपने इमरान से?
वो दूसरी पिक्चर साथ में करते तगड़ी है। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। बार बार लोटा लेके घूमना हो गया।